एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, दिस इज प्रीति। तो आज मैं आई हूँ ग्रीन लेक। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लेक बहुत ही ब्यूटीफुल है और ऑलमोस्ट हम एवरी वीकेंड यहाँ पे आया करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला ब्लॉग शेयर करूँ और आप लोग को इस लेक का ब्यूटी दिखाऊँ। तो चलिए हम लोग आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। वाले लेक सिएटल के बहुत सुंदर लेकों में से एक है और यहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं और गर्मी के दिनों में तो यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो फिलहाल कुछ कुछ तो मैं करती नहीं हूँ, जैसे बोटिंग वगैरह, क्योंकि मुझे तैरना बिल्कुल भी नहीं आता है तो मुझे डर लगता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को तैरना आता है तो वो लोग करते हैं। इस लेक का बेस्ट पार्ट ये है कि ये लेक पूरा का पूरा 3 माइल का है और ये लेक पूरा बीच में पड़ता है। इसके चारों तरफ हम लोग वॉक कर सकते हैं और फॉल के टाइम पे यहाँ का कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो फिलहाल अभी फॉल आ रहा है तो इसलिए आप मेरे पीछे पेड़ का कलर देख सकते हैं, बिल्कुल चेंज होता जा रहा है, रेड रेड हो रहा है। इस लेक में पहले होमलेस बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी 2-3 महीने से हमने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे होमलेस आके बस गए हैं और रोड के साइड साइड में बहुत ही ज़्यादा। पूरे लेक के चारों तरफ नहीं रहते, लेकिन हाँ, पर्टिकुलर एक एरिया है जिसमें ये लोग रहा करते हैं अभी। तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ ये एरिया कैसा दिखता है अभी। और पहले तो ये जगह बहुत ही सुंदर दिखा करता था, लेकिन जब से यहाँ पर होमलेस रहा करते तब से यहाँ का जो एक पार्किंग था वो बंद हो गया है। Thank you.
तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी ये ब्लॉग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।